ठीक है, तो एक सबसे इजी सा आपको जो बहुत ही पॉपुलर भी है, शायद आप लोग जानते होंगे, डिस्कार्ट रूल करके है, ठीक है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस। ओके, इसमें क्या कहता है, आपके पास कोई पॉलीनोमियल दिया, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू कुछ, पॉलीनोमियल का स्ट्रक्चर ही होता है ना, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, इस तरह से आपका कोई पॉलीनोमियल दिया हुआ। ओके सॉरी, ये ना, जहाँ सारे ए आई क्या हैं, आपके रियल से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो इसके रूट्स के बारे में अगर हमें, जैसे बहुत बार क्वेश्चन नेट में पूछता है, गेट में पूछता है, सेट वगैरह में पूछता है, ठीक है, तो इसके रूट के नेचर के बारे में, एग्जैक्ट रूट तो नहीं बताएगा क्या होगा, लेकिन ये बता सकता है कि कितने रियल रूट होंगे, कितने रियल नहीं होंगे, कितने पॉजिटिव होंगे, कितने निगेटिव होंगे। एक मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू करता हूँ, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल। मान लीजिए कि मैंने ले लिया एफ एक्स ए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे बेस्ट आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ईजी है। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक्स टू द पावर 5 प्लस कुछ भी एक्स प्लस 2। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली हमारा एग्जाम्पल, कोई भी मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक्चुअली एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, ये वाला चीज। ओके ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब रूट फाइंड आउट करना होता है हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करके इस इक्वेशन को एक्स के लिए सोल्व कर देते हैं। ओके, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 पुट करके हम इस इक्वेशन को एक्स के लिए सोल्व कर देंगे। ओके मेरा आवाज़ क्लियरली ऑडिबल है ना? यस सर। तो आपको क्या करना है, इसके मान लो हमें क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है कि इसके कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे, कितने पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे, या फिर पूछ रहा है कि कितने निगेटिव रियल रूट्स होंगे, या फिर पूछ रहा है कितने कम्प्लेक्स कंजुगेट्स होंगे, या फिर कितने कम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो सबसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना, जो 12th क्लास के बच्चे भी इजिली कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप एक बार एफ एक्स में देखिए कितने बार साइन चेंज हो रहा है, फिर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखिए कितने बार साइन चेंज हो रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू, तो आपका यही चीज आ जाएगा, मीन्स एक्स 5 प्लस एक्स माइनस 2। अब इसमें देखिए, सॉरी प्लस 2 है ना, इसमें कितनी बार चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, एक बार भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं मिलेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नो पॉजिटिव रियल रूट, ठीक है। ए ट्रिक कह लीजिए या जो भी डायरेक्ट रिजल्ट कह लीजिए, इसको आप डायरेक्टली देखेंगे, एक्स के जो भी फंक्शन दिया हुआ है एक बार प्लस एक्स का रख के देखें, जितनी बार साइन चेंज होगा मैक्सिमम, ठीक है, ए नहीं कि उतना एग्जैक्टली होगा, मैक्सिमम उतने पॉजिटिव रियल रूट होंगे। ओके, अब एक बार एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखिए तो क्या होगा, माइनस एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स प्लस 2। तो देखिए यहाँ से माइनस से माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, तो एक बार साइन चेंज हो गया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 निगेटिव रियल रूट, ठीक है। और एक ट्रिक या कंसेप्ट आप और यूज करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऑड डिग्री का, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ, यहाँ पर हमने पी एक्स लिया ना, अगर इसकी डिग्री ऑड होती है, इसका मतलब एटलीस्ट, ठीक है, 1 रियल रूट होगा, ठीक है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है जिसका पावर या जिसका हाईएस्ट डिग्री जो है ऑड है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट इसका पावर और 5 है, तो हम बोलेंगे 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। ओके, अब जो अगर हाईएस्ट डिग्री मीन्स किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री ऑड है, तो इसका मतलब कम से कम एक रियल रूट मिलेगा, क्या होगा, ये अलग इशू है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, एक तो यहाँ से पता चलेगा, अब इस रिजल्ट को आप लोग अप्लाई करिए इस पे, इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में करेंगे, हमारे पास 5 डिग्री का है, इसका मतलब एक रियल रूट होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट एक रियल रूट तो हो ही गया। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि पॉजिटिव एक भी नहीं है, एक निगेटिव है, ठीक है, तो एक निगेटिव है, इसका मतलब टोटल रियल रूट्स कितने हो गए, 1 हो गए। ओके, और हमें पता है कि मैक्सिमम इसके रूट होंगे वो 5 रूट होंगे। ओके, तो यहाँ से मैं इस इफेक्ट का ले रहा हूँ कि हमारे पास 5 रूट्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमें क्या पता चल गया कि एक तो रियल रूट है, ठीक है, तो जो बाकी 4 होंगे वो क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स होंगे, ठीक है।
इसका कहने का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट्स का मतलब होता है कि अगर किसी भी पॉलीनोमियल का ए प्लस आयोटा भी एक रूट, मान लीजिए कि एक्स नॉट इक्वल टू एक रूट इस पॉलीनोमियल का इतना है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, अगर जेड ए है तो दूसरा जेड कंजुगेट है, ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स रूट्स बोलते हैं, ठीक है। मीन्स अगर ए रूट होगा तो ए भी रूट होगा, तो ए हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि किसी भी पॉलीनोमियल के तीन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स हैं, तो इसका मतलब गलत बोल रहा है, तीन पॉसिबल ही नहीं है, जब भी आएगा तो पेयर में आएगा। तो मान लो एक तो पेयर में आ गया, तो एक फिर क्या होगा, वो रियल वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं, जब कॉम्प्लेक्स में हम लोग आएंगे ना तो वहाँ पर इसको करेंगे, इस पर बेस्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर, ठीक है। या तो कॉम्प्लेक्स में पूछा है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में पूछा है, नंबर थ्योरी में पूछा है, रियल एनालिसिस में पूछा है, ठीक है। कंक्लूजन यही है, रूट देखने का मेथोडोलॉजी का, रूट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने रूट होंगे और कौन कौन होंगे, सिर्फ मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, को वैल्यू क्या होगा, नेचर क्या होगा इसमें, ओके। तो आपको पता चल गया यहाँ से जो होगा, तो आपको इस एक, हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब a प्लस माइनस i भी ना, हाँ हाँ, अगर आपका तो यहाँ पे 4 आएगा या 2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, देखो ये पेयर में आते हैं ना, ठीक है। तो ये पेयर में हम देखेंगे तो 2 पेयर आएंगे, बाकी रूट तो हमारे पास 4 है ना। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करने का मतलब कि ये जो एक रियल है ये भी तो कॉम्प्लेक्स ही है ना, तो हम उससे सेपरेट करके इसको देख रहे हैं। देखो टोटल वही मैं बता रहा था ना, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इसमें टोटल कितने होंगे, 5 रूट होंगे और पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है। जिसमें से हमारा रूट किस टाइप का होगा, ए प्लस आयोटा बी टाइप का, तो इसको हम लोग यही लिख सकते हैं ना, एक रियल रूट है मतलब ए प्लस आयोटा बी टाइप का रहा होगा, तो बी वाला पोर्शन 0 रहा होगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहने का मतलब वो हमेशा पेयर में आएंगे, तो दो पेयर यहाँ पे हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर ए प्लस आयोटा भी एक रूट हुआ तो दूसरा ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा, इस टाइप से दो पेयर आएंगे, तो दो तो टोटल 4 हो गए ना। मान लो एक होगा सी प्लस आयोटा डी, दूसरा हो जाएगा सी माइनस आयोटा डी। क्योंकि मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट्स कहता ना, तो आपका अगला क्वेश्चन नहीं होता कि क्यों रियल कॉम्प्लेक्स का सबसेट है, तो रियल वाला कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ। चलो मैं इस क्वेश्चन को भी कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन में दिखा दूंगा कैसे, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। काफी इस पे उस टाइम डिस्कशन भी हुआ था, काफी लोग बांस भी किए थे कि आंसर गलत है, ये है वो है, लेकिन वो सही था। सही कैसे था कि जितने भी रियल रूट हैं सारे रियल रूट कॉम्प्लेक्स के सबसेट हैं, अतः ये रियल वाला भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट की मैं बात करूं तो इसके टोटल कॉम्प्लेक्स रूट्स 5 हो जाएंगे, लेकिन जब कंजुगेट्स में बात करेंगे तो 4 ही होंगे, ठीक है। क्योंकि जो पेयर में आएगा, यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो दोनों ए हो जाएगा ना, तो विथ मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमारे पास यहाँ 6 आ जाएंगे जबकि 5 ही है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। इसमें मैं क्वेश्चन पे आता हूँ तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रियल वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स में जो आएगा जब हम कंजुगेट्स में देखेंगे तो पेयर में आएगा हमेशा, कंजुगेट्स वर्ड लिखने का यही मीनिंग मेरा मोटो था। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया, इस एग्जांपल में हम लोग कर लिए। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल में करता हूँ, ये सब तो हम लोग कर लिए। ये दूसरा जी एक्स वाला आप लोग एक बार फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कि कितने पॉजिटिव कितने निगेटिव होंगे रियल रूट, बस आपको साइन चेंज करके देखना है क्विकली, ओके। तो हाँ पॉजिटिव के लिए तो एक बार साइन यहाँ पे चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया और फिर माइनस से प्लस हो गया, तो दो पॉजिटिव रूट हो गया, ठीक है। और टोटल इसके रूट कितने होंगे, मैक्सिमम डिग्री 2 है तो टोटल 2 होंगे, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपका मन है चेक करने का तो आप कर सकते हैं। तो जी माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाँ बोलिए, यहाँ पे जो f ऑफ माइनस एक्स में लिखे थे एक बार साइन चेंज हुआ तो 1 नेगेटिव रियल रूट, हाँ हाँ यहाँ पे जी ऑफ एक में जब चेक करेंगे तो 2 बार साइन चेंज हो रहा है ना, हाँ, तो 2 पॉजिटिव रियल रूट हो गया, मतलब प्लस एक्स के प्लस एक्स लेके जब चेक करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल। देखिए हाँ, जब आप ये जो एक आपको मैपिंग दे दिया रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पे प्लस एक्स रखेंगे तो प्लस एक्स मतलब एग्जिट हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी 2 ही बार साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 1 है, तो प्लस 1 से माइनस 1 हो गया, ठीक है, ये प्लस 1 से माइनस 1 हो गया, तो एक बार साइन चेंज हो गया, फिर इस माइनस से प्लस 1 हो गया, तो 2 बार साइन चेंज हो गया, तो हमने प्लस एक्स रख के देखा तो टोटल 2 पॉजिटिव रियल रूट होंगे, ठीक है। अब आपको माइनस एक्स रख के देखना है, तो माइनस एक्स रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स प्लस 2, इसमें कितनी बार साइन चेंज हुआ, प्लस से हम लोग चले प्लस ही है, प्लस ही है, मतलब 0 बार साइन चेंज हुआ, तो हमारे पास टोटल 0
निगेटिव रूट रियल रूट हो जाएगा। क्लियर? ओके, ये इसलिए मैंने इजी दिया था, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो इक्वल टू जीरो हुआ तो एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस वन और प्लस वन, हाँ, तो दो पॉजिटिव रियल रूट मिला, तो ये आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई करना मुश्किल था, क्योंकि हम बाकी रूट निकालने में लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यही ध्यान रखना, बस पहले यहीं से आपका आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो तो अलग इशू कि क्या होंगे रूट, लेकिन हम तो आधा काम नेचर निकाल के कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ से सबको क्लियर है। आपको करना क्या है, आपको एग्जाम में एफ एक्स दिया रहेगा, आपको x की जगह प्लस x रख के एक बार देखना है और x की जगह माइनस x रख के देखना है। ठीक है, ये जो देगा नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स देगा, पॉजिटिव रियल रूट, ठीक है, और ये देगा नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट। ठीक है, और जो बच गया टोटल, अगर इसकी मान लो कि कुछ डिग्री n है, क्लियर, n डिग्री का मतलब दो तीन चार पाँच, जैसे हमने फाइव के लिए किया था, तो टोटल रूट्स कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। तो जो रूट्स होता है टोटल, ठीक है, वो एन होता है, और एन को हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लो मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस जो कम्प्लेक्स वाला बचा है, कम्प्लेक्स कंजुगेट्स में आ रहे थे, वो हो जाएगा। ठीक है, ए भी कम्प्लेक्स होगा, लेकिन हम कम्प्लेक्स कंजुगेट्स में बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो मीन्स जो रियल नहीं है, ठीक है, जो रियल नहीं है, मीन्स जिसका सेकंड पार्ट जीरो नहीं है, उन सारे की बात करें। तो अब हमें क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स फाइंड आउट करना हो जाता है, कभी कभी पॉजिटिव फाइंड आउट करना हो जाता है, कभी कभी निगेटिव फाइंड आउट करना होता है, तो उस टाइम ये इक्वेशन हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट सबको क्लियर है। ओके, चलिए, तो हाँ, तो एक क्वेश्चन करते हैं, मुझे याद है 18 दिसंबर में पूछा हुआ था, सॉरी 18 जून में, और ये मैंने किसी में न्यूमेरिकल में करवाया ना, तो रियल में शायद पूछा हुआ था, तो अभी मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। रियल एनालिसिस किसमें था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि वो पार्ट सी 18 जून, एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, एक बहुत अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन था, कब पता होगा मिलेगा, इसमें के रूट्स का देखना दिया होगा, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, लीनियर आ गया ना, लीनियर में तो मिलेगा नहीं, टू बाउंड मुनेश वाला क्वेश्चन एक बार देखना, एक था ना जिसमें रूट फाइंड आउट, शायद फाइव रूट थे, ऐसे कुछ समथिंग क्वेश्चन था, एक कौन सा ईयर में था, 18 के अराउंड पूछा था, जिसमें वो रूट्स वाला एक क्वेश्चन था, यार नहीं आ रहा, 18 या 17 के अराउंड का पूछा हुआ है, मेरे को थोड़ा टाइम कम पड़ गया था ना, तो मैं इसको निकाल नहीं पाया। ओके, मैं अभी आपको खोज के दिखा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे कम्प्लेक्स में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैं वो भी करवा दूंगा आपको। न्यूमेरिकल आ गया ना, मतलब न्यूमेरिकल इसका मतलब 18 जून नहीं, 18 दिसंबर, एक सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स आपका है, मैंने प्लस एक्स रखा, ऑप्शन थ्री, ओके, आप देख रहे हो इसमें कोई भी फोर्ड प्लस वाले में तो कुछ करना ही नहीं, प्लस वाले का बेकार ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, एक बार साइन चेंज हुआ, दो बार साइन हुआ, तो टोटल दो पॉजिटिव रूट हो गया। ओके, फिर इसमें माइनस आपने रखा होगा, तो माइनस रखा, तो माइनस में रखेंगे तो माइनस एक्स के पावर फाइव हो जाएगा, प्लस फाइव एक्स प्लस दो, ठीक है, इसमें एक बार साइन चेंज, एक ही बार चेंज हो गया, तो एक निगेटिव होगा, एक निगेटिव रियल रूट होगा। क्लियर, अब यहां से आता है कि टोटल हमारे पास फाइव रूट हैं, तो तीन रियल हो गया प्लस में दो
कॉम्प्लेक्स में हो गया। पहला बोला नो रियल रूट, तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर फाइव है तो एटलीस्ट एक रियल रूट मिलेगा हमारे वाले मेथड से, तो पहला ऑप्शन गलत। बोला कि एग्जैक्टली वन रियल रूट, क्यों हमारे पास तो तीन रियल रूट आ गया, तो दूसरा गया। इसमें बोला है एफ है एग्जैक्टली थ्री रियल रूट, बिल्कुल सही आपने जैसे कैलकुलेट किया, ऑल रूट्स ऑफ एफ आर रियल, गलत। अगर इसके जगह कॉम्प्लेक्स लिख देता ना तो ये ट्रू हो जाता। ओके, मान लो मोर देन वन करेक्ट में यही चीज दे दिया, और यहाँ पे ऑप्शन ए भी दे दिया और फोर्थ भी दे दिया, और मतलब फोर्थ दे दिया और फिफ्थ में ऐसे ला लीजिए कि ऑल रूट्स ऑफ एफ आर कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे ये सही हो जाएगा, ऑल रूट्स ऑफ रियल वाला गलत हो जाएगा, ऑल रूट्स ऑफ एफ आर कॉम्प्लेक्स ये चीज सही हो जाएगा। ओके और इसी पे बेस्ट पार्ट बी में लास्ट वाला ऑप्शन ऑल रूट्स ऑफ एफ आर कॉम्प्लेक्स दिया होगा तो नहीं देगा ना जी, क्योंकि दोनों चीज सही है ना, एक ही बार में दोनों दो करेक्ट एस्टिमेट कैसे दे देगा, इसमें नहीं देगा ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए तो करेक्ट है, अगर सारा कॉम्प्लेक्स दे दिया तो दोनों ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में तो वही होता है कि वो लोग बाद में क्या नोटिस निकालते हैं कि इस क्वेश्चन पर, फिर बाद में बहुत सारे बच्चे करते हैं उनको क्लेम करते हैं कि नहीं आपने गलत दिया हुआ है, तो फिर इस केस में क्या होता है बोलते हैं कि जिन्होंने दोनों मारा है उनका भी सही, दोनों में से कोई भी एक मारा है उनका सही होगा। लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर इन्होंने 67 बोला था ना, ठीक है। इसमें आपका रियल रूट की बात कर रहा, वन रियल रूट, टू रियल रूट, मोर देन टू रियल रूट। ओके, तो इसको ना आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ से कुछ आपको ट्रिक देखना होगा। अच्छा, एक मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ, रूट देखने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है, अगर कोई ग्राफ कहीं भी एक, मान लो कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे कट करी होगी, जहाँ भी कट करी होगी, तो अगर कोई एक एक्सिस को ऐसे कट करके जा रहा है तब हम बोलेंगे कि ए इसका रूट है, जो भी हो एक्स नौ, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्राफ है, मान लीजिए कि मैंने ए ले लिया और ए ग्राफ ले लिया, ए एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, सबको पता होगा, या फिर देखें कहीं भी एक्स कट नहीं करती है, ठीक है, तो इसलिए हमें पता होगा कि जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, और इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है रियल रूट। तो इसी टाइप का मतलब रूट एग्जिस्ट करने का मतलब कि कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, ठीक है, मीन्स एक एक्स नॉट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट उस पॉइंट पे जो एफ एक्स नॉट हो जाएगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, अच्छा दूसरा रूट चेक करने का तरीका क्या है बाइसेक्शन मेथड में, मैं आ जाता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। बाइसेक्शन मेथड में क्या था कि मान लीजिए मैंने ए ग्राफ ले लिया, ठीक है, आप इसके कोई भी दो पॉइंट पे लें, अगर मान लो मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू होगा एफ ए होगा और एफ ए बी एफ बी होगा। आप देखेंगे अगर एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन होना चाहिए जीरो से, निगेटिव होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए रूट एग्जिस्ट करने के लिए। तो इसका कंसेप्ट क्या था, इसका कंसेप्ट ये है कि अब अगर ये एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा होगा कोई भी ग्राफ, मान लीजिए मैंने ए ले लिया, तो एक कट करके जा रहा होगा, तो यहाँ पे लेंगे तो ए वैल्यू लेस देन होगा और यहाँ पे ले रहे तो ए आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, एक लेस देन नंबर और एक ग्रेटर देन नंबर, तो ऑलवेज इनका प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट वहाँ पे, और यही कंसेप्ट हम रूट कहीं भी सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे, तो अगर कोई भी हम दो पॉइंट ले रहे हैं या जो भी इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल, मान लो मैंने इंटरवल सी से बी ले लिया, तो सी से बी में आप देखेंगे दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू को प्रोडक्ट लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इस इंटरवल में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग को वो करवा दूंगा, क्या बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, तो थोड़ा सा रूट वाला आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, दिसंबर 2016 का कॉम्प्लेक्स में है ना, ओके, तो इसको दिसंबर 2016 का, ओके, हाँ मिल गया मिल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे जब हम लोग उठाए तो इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, तो इसको ऐसा करिए ना कि थोड़ा सा हमें उस स्ट्रक्चर में दिखे, तो यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको सिंपल, अच्छा ये हिंट दिया हुआ है, ठीक है, तो इस इक्वल को उठा के यहाँ पे ला दीजिए, इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग पहुंच रहे, अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों तरफ 19 टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिए, ओके, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आएगा कुछ आ जाएगा 11 बाई 19 टू द पावर x प्लस
17 टू द पावर 19 एक्स इक्वल टू 1। ओके ठीक है, तो यहाँ से कुछ पता चलेगा x किस वैल्यू के लिए, मतलब x ऐसा कोई रियल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा जिसके लिए 1 दे रहा हो। ओके यहाँ से अच्छा इसको कुछ fx मान लीजिए, इसको मैं एक बार क्वेश्चन व्हाइट स्क्रीन पर लिख ले रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन था मेरा 11 टू द x प्लस 13 टू द x प्लस 17 टू द x माइनस 19 टू द x 1। ओके तो यहाँ से इसको एफ एक्स हम लोग मान लेते हैं, रिज्यूम करिए कि हमारा एफ एक्स होगा, इसको माइनस 1 कर दीजिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, एफ एक्स हमें दिया रहता तो यहाँ पे हम लोग इसको एफ एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसे पढ़े होंगे आप लोग कि और इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एफ डैश देखते हैं। ठीक है, अब एफ डैश के नेचर के अनुसार हम लोग बता देंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है, अब आप अगर इससे मान लो जो किसी माइनस ए से आप जीरो के बीच में देख रहे हैं तो ये ऑलवेज निगेटिव होगा, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, एंड आप जीरो से कोई भी इंटरवल लें पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा, इसका मतलब इधर आप देख रहे होंगे ये इंक्रीजिंग है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो एफ डैश आप निकालिए। ठीक है, एक हिंट दे देता हूँ, ए के पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है शायद सबको पता होगा, ये हो जाता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसको हम लोग लिए थे ना, इसी को लेते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलो इसी को ले लेते हैं। इसमें क्या है ना कि हमें ये दिखने को मिला कि वन से छोटा, वन से छोटा, वन से छोटा का पावर समथिंग है, तो शायद हम लोग कंक्लूजन तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो इसका हो जाएगा 11/19 टू द एक्स इंटू लॉग 11 टू द 19। ठीक है, यही कंसेप्ट हम लोग करते हैं, आप लोग फटाफट कैलकुलेशन करते रहिए। क्विकली इसको करता हूँ, इधर हो जाएगा 13 टू द 19 एक्स लॉग 13 टू द 19, फिर हो जाएगा प्लस 17 टू 19 एक्स, और ये जीरो हो जाएगा। अगर इसको हम लोग इस टाइप से नहीं किए तो हमारे पास चार टर्म का कैलकुलेशन करना होता, तो इसीलिए ये सॉरी जीरो था ना, इसीलिए ये थोड़ा सा आसान है यहाँ से करना। ओके, अब ये तीन टर्म पता चल गया। और एक चीज़ और आप देखे होंगे, लॉग का वैल्यू। ठीक है, लॉग का ग्राफ आप लोग को पता होगा कुछ इस टाइप से होता है, ये जहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अब ये सारे देखिए, लॉग की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो ऑलवेज निगेटिव हो रहा, तो log x लेस देन 1 होता है कब, सॉरी 0 कब, अगर x लेस देन 1 हो। अब ये सब बातें पॉजिटिव में हम बात करेंगे। इसमें देखिए ये वाला डाटा, ये वाला अभी क्या है आपका 1 से छोटा है, ए भी 1 से छोटा है, ए भी 1 से छोटा है, तो क्लियर सी बात है इसके वैल्यू निगेटिव होगा। ओके, और इस x हमारा क्या ले रहे हैं, हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो इस क्योंकि पॉजिटिव में एक्स डिफाइंड इधर लेंगे तो इधर एक्स लॉग डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग यहाँ से आगे की बात करेंगे। यहाँ पे इसका समथिंग पावर रखेंगे, कुछ भी रखें तो ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये प्लस इंटू माइनस ये क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। ठीक है, उसी तरह प्लस इंटू ए निगेटिव हो जाएगा आपका, तो माइनस ए भी आपका माइनस दे देगा। उसी तरह प्लस ए पॉजिटिव इंटू ए वाला डाटा निगेटिव हो जाएगा, तो ए भी माइनस दे देगा। तो ऑल ओवर ये क्या हुआ आपका, ए निगेटिव मतलब लेस देन जीरो, ए भी लेस देन जीरो, ए भी लेस देन जीरो, और सबका सम करेंगे तो क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। क्लियर, किस में, जीरो से वन के बीच में। तो जीरो से वन हमें ये पता चल गया, जो फंक्शन दिया हुआ था इसके जीरो से वन के बीच में क्या है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पर हमने समझाने के लिए आपको सिंपल सा एग्जाम्पल यूज किया था कि जीरो से वन के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है तो हमें कुछ डिक्रीजिंग का ग्राफ होता है इस टाइप से, स्लोप निगेटिव होता है, इंक्रीजिंग का ग्राफ इस टाइप से होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है। ओके, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें एक नेचर पता चल गया जीरो वन में। ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ।
अब देखिए हम लोग गेस कर रहे हैं कि ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसे होगा। अब आगे जाके कैसा है ये बात की बात है। एक बार इधर एक्स को हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक ले जाके चेक कर लेते हैं, एक बार माइनस इन्फिनिटी तक ले जाके चेक कर ले रहे हैं, तो देख ले रहे हैं कुछ मिल रहा है क्या। हमारे पास एक ग्राफ है, इसको वन नाम दे दीजिए। ये तो नेचर चेक करने के लिए था, इसको नीचे वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमने रखा मान लीजिए प्लस इन्फिनिटी रख रहे हैं, ठीक है, नेचर हम लोग चेक कर रहे हैं। ये देखिए वन से छोटा है, वन से छोटा का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो जीरो पे चल जाएगा, ये भी वन से छोटा पावर इन्फिनिटी पे करेंगे तो जीरो पे चल जाएगा, ये भी एक्स को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो जीरो पे चल जाएगा, ये माइनस वन है तो माइनस वन, सबका सम क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो ये प्लस इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा, माइनस वन पे जाएगा। ओके ठीक है, और देखते हैं एक माइनस इन्फिनिटी पे रख के देख ले रहे हैं क्या होगा, ठीक है कहाँ पे जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ए भी इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है ए भी इन्फिनिटी पे जाएगा, ए भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो एक रफ लैंग्वेज में देखें तो ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इसका मतलब देखिए, जब हम लोग एक्स को प्लस इन्फिनिटी की तरफ भेज रहे हैं तब ये माइनस वन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा जैसे हमारे पास आ रहा है डाटा उसके अनुसार थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे ग्राफ के थ्रू देखने के लिए। ओके हमारे पास ये है एक्स को जब हम लोग प्लस इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं तो वाई कहाँ पर जा रहा है, और हमें पता था कि जीरो से वन में निगेटिव है तो कुछ इस टाइप से जा रहा है ना, यही ना, एक्स प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है तो वाई माइनस वन पर जा रहा है, ए माइनस वन होगा। अच्छा जब माइनस इन्फिनिटी पर हम लोग ले जा रहे हैं एक्स तो कहाँ पर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे जा रहा होगा लगभग, हम लोग एक गेस कर रहे हैं, ठीक है। इधर हमने एक्स का वैल्यू माइनस की तरफ भेजा, यहाँ पर एक तो पता चल गया एक जगह कट कर रहा है, ठीक है, और बीच में कोई भी एक वैल्यू रफली रख के, अच्छा मान लीजिए जीरो पे देख लीजिए क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ए वन प्लस ए वन, इसको मिटा लेता हूँ मैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे दे दिया ए वन प्लस वन, ए प्लस वन माइनस वन इक्वल टू टू हो गया, ये जो है यहाँ पे टू पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें एक आप यहाँ से अंदाज लगा लिए होंगे, इसको अगर हम लोग इस सेंस में बात करें, कहाँ गया यहाँ पे, आप के को कोई भी एक के ले लीजिए कहाँ से, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो जीरो पे तो ऑब्वियस बात है जीरो जीरो जीरो, तीनों वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन, एक प्लस टू दे रहा तो जीरो पे भी पॉजिटिव आ जा रहा और बाकी आगे सारा पॉजिटिव आ ही रहा है। तो जो एफ एक्स हमने इसको माना हुआ तो एफ एक्स क्या होगा इस इंटरवल के लिए, ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा, ठीक है, जहाँ के कोई भी हमारा आपने इसे चूज कर लिया। ओके नेक्स्ट क्या था, एक इसको मैं सर एफ इन्फिनिटी माइनस वन होगा या इन्फिनिटी होगा, एफ प्लस इन्फिनिटी माइनस वन होगा ना, ये देखिए ए वन से छोटा हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ भी हो अगर ए बटा में ए प्लस सम बी हो, ठीक है, जहाँ बी भी पॉजिटिव है, तो जब ए इनका रेशियो क्या है लेस देन वन है ना, तो कोई भी नंबर होता है जिसका जो लेस देन वन होता है तो पावर आप बढ़ाइएगा तो जीरो की तरफ जाता है, ये इसी टाइप का नंबर है 11 बटा में 19, ये वन से छोटा है, अब ये पावर इसका बड़ा करते जाइएगा तो जीरो की तरफ जाएगा, उसी तरह ये भी जीरो की तरफ जाएगा, उसी तरह ये भी जीरो की तरफ जाएगा, तो तीनों जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस, हम लोग लार्ज वैल्यू पर देख रहे हैं, छोटे से नंबर पर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ना कहाँ पर अल्टीमेटली ये जा रहा है, ठीक है। यस सर। ओके तो ये सर मिटा दे रहा हूँ, ज़्यादा हॉज कुछ नहीं होना है, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया, अभी पता चल गया कि इससे ये यहाँ पे एक दो पे कट, वाई एक्सिस पे दो पे कट कर रहा है और यहाँ पे कुछ जो भी एक रियल नंबर होगा वहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें पता चला कि यहीं कट कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि इस एक सेकेंड माइनस वन कहाँ पे आया था, प्लस इन्फिनिटी पे माइनस वन पे आया था, और ये कहाँ गया, एक्स इक्वल टू जीरो पे प्लस टू आया था, ये भी क्लियर है, इस ग्राफ में शायद ज़्यादा हॉज पॉज कर देंगे। ओके और प्लस टू था, और जब हम लोग माइनस इन्फिनिटी जा रहे थे तो कुछ इस टाइप से आ रहा था, ऐसे जो हमने अब तक कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ ऐसे निकल के आ रहा था, तो यहाँ के बेस पे देख लीजिए हमारा एक ही रियल रूट आ रहा है,
ठीक है, अब जो भी होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए जीरो पे प्लस टू आ रहा है और इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, तो अभी ऐसी बात है इनके बीच में ही कहीं एक रूट लाई कर रहा है, इसके आगे तो सब पॉजिटिव ही है, निगेटिव में सब पॉजिटिव है, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अब इधर ही कहीं एक जगह होगा, क्योंकि अब जब भी हम ये बढ़ाते जा रहे हैं, हाँ क्या ये बढ़ाते जा रहे हैं माइनस वन पर कन्वर्ज करते जा रहा है, इसके बाद वापस से लौट के गया ही नहीं, तो सिंपली है एक रियल रूट होगा। अब इसके अनुसार एक अब ऑप्शन देख लीजिए, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे होगा नो रियल रूट, नहीं हमारा एक जगह तो एटलीस्ट कर भी कर रहा है, मोर देन वन रियल रूट, तो इसमें तो हमारे अनुसार तो इसमें मिला ओनली वन रियल रूट, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, एक बार मैं ऑप्शन देख ले रहा हूँ क्या है करेक्ट इसका, 67 ओके 67 सेट कौन सा है, सेट है 4A, ए सेट है 67A का, 67A का 2 है, 67A का 2 है, टू ओनली वन रूट, तो इस टाइप से आपको इसमें देखिए कोई भी लॉजिक नहीं लगा था, एक आपको एनालिसिस था कि आपको कैसे एनालाइज करना है, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स वाले को मैं बाद में करवा दूंगा, क्योंकि हमारा फिर न्यूमेरिकल छूट जाएगा, तो हम न्यूमेरिकल करते हैं फिर से वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में उस चीज़ का रिविजन हो जाएगा, ओके, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बता देता हूँ, अदरवाइज हम लोग पता चला कि इधर ही उलझ के रह जाएंगे, ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, ये भी कंसेप्ट आपको बार बार लगेगा, ओके हाँ बोलो, एक्स एक्सिस में कट करेगा अगर ग्राफ, हाँ, तो उसमें सिर्फ रियल रूट ही मिल सकता है, हाँ एक्स एक्सिस पे तो रियल रूट ही मिलेगा ना आपका, जैसे देखिए इस टाइप से कुछ हुआ, मान लीजिए कैसे कुछ कट किया, तो जहाँ पे कट करेगा हमारे ऐसे होते ना, अगर कोई एक्स नोट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा सच द फंक्शन की वैल्यू जीरो हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स जीरो ही हो जाएगा ना, और जहाँ पे एफ एक्स जीरो हो जाएगा उस पॉइंट को हम लोग उसका रूट बोलते हैं, या जीरो जो आपने पढ़ा होगा, हाँ कम्प्लेक्स केस में अलग हो जाता है, कम्प्लेक्स केस में कोई जरूरी नहीं है कि कट करेगा, ठीक है, तो इसीलिए जो होता है ना कि हम लोग जैसे बोल देते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, सबसे इसे भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है कब, जब एक्स रियल हो, लेकिन जब यही एक्स कम्प्लेक्स बन जाएगा ना तो आप ये नहीं कर सकते, तो इन्फिनेटली मेनी रूट मिल जाते हैं, और इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है दो तीन बार पूछा हुआ है, जैसे एज का यूज कहाँ पर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक मान लो मैंने कुछ दे दिया साइन जेड, तो साइन जेड साइन एक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, एज की तरह कब बिहेव करेगा, जब ए प्लस आयोटा बी टाइप का अगर हमारा जेड है तो बी वाला जीरो होगा तब इस टाइप का बिहेव करेगा, अदरवाइज इसका अलग बिहेवियर है, इसमें इसका सब कुछ नेचर ही बदल जाएगा, तो हम लोग अभी रियल की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ओके मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट के थ्रू आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, अच्छा एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ, इसे भी बहुत बार पूछा हुआ है रिजल्ट, मैं आप लोग को क्विकली बाई सेक्शन वगैरह रिविजन करवा देना चाह रहा हूँ, कि इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक है नहीं, तो बाई सेक्शन का सिंपल सा मेथड है कि उसको बाई सेक्ट करके हम लोग रूट निकालते हैं, ठीक है, इसमें क्या है कोई एक ग्राफ आपको दे दिया, ठीक है, मान लिया मैंने ये ग्राफ ले लिया आपको जो उस टाइम दिखाया था, तभी क्विकली करवा दे रहा हूँ, ए ले लिया कोई ग्राफ है ले लीजिए, ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस को कट कहीं भी नहीं कर रहा तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, सिंपल कंसेप्ट, नेक्स्ट आते हैं, तब रूट कब मिलेगा, तो जिस इंटरवल में कुछ ना कुछ आपको इंटरवल दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप कुछ ना कुछ एजम्पशन लेकर चलेंगे, ओके इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू जो होगा एफ ए होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एफ बी होगा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो रहा तो आप बोलेंगे इसके बीच में एटलीस्ट एक रूट रियली एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ग्रेटर देन हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कि आप बोलेंगे कि रूट ही नहीं होगा, क्या अगर यही मान लीजिए कोई फंक्शन है मैंने नीचे ले लिया, इसमें दोनों ही क्या है एफ ए भी निगेटिव हो जाएगा एफ बी भी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिविटी निगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर से दोनों ही केस में ग्रेटर वाला आ गया, चाहे ऊपर लो आप चाहे नीचे लो, ठीक है, बट दोनों का अगर अपोजिट साइन है मान लो जैसे ए हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा तो निगेटिव होगा, इसका मतलब इनके बीच में एटलीस्ट एक रियल रूट मिलेगा, आगे हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम स्टेप के पढ़ेंगे रियल एनालिसिस के अंदर, तो वहाँ से चीज़ें हो जाएगा, बाकी उसको अभी कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी इंटरवल हम ले रहे हैं जो भी पॉइंट ले रहे हैं अगर उन पॉइंट पे फंक्शन का प्रोडक्ट का वैल्यू निगेटिव हो रहा, अच्छा इस केस में एक और कंसेप्ट है, जैसे मैंने एफ ए ले लिया इंटू एफ बी ले लिया, अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब हम मैंने क्या बोला हम कुछ नहीं कर सकते, नो रियल रूट भी होगा या फिर
टू टाइम्स सीरियल रूट होगा, ठीक है, मतलब ए हमेशा इवन नंबर ऑफ रूट आएंगे। कैसे, एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, ए ले लिया हमने, अब आपको इंटरवल मैंने ए दे दिया, इस पर कुछ मानिए फंक्शन का वैल्यू है और इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कुछ थोड़ा सा प्लॉटिंग ओके रुको मैं प्लॉटिंग क्लियर करता हूँ क्योंकि अगर क्लियर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने ए ड्रॉ कर लिया, अरे पीछे टेढ़ा हो गया, ठीक है, एक ए ले लीजिए इंटरवल, एक ए ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ये रहा ना, लेकिन इनके बीच में कितने रूट हैं, दो हैं, ठीक है। ऐसे मैंने बोला दो के मल्टीपल होंगे, ठीक है, दूसरा ए भी तो हो सकता है, ए ले लीजिए, आपने इंटरवल ए ले लिया और ए ले लिया, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ये वैल्यू होगा, यहाँ पे होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब इनके बीच में रूट्स देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इवन हो गया तो टू टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होगा। तो एक रूट एग्जिस्ट करने के लिए मीन्स ऑड नंबर्स के लिए, ऑड के लिए क्या होगा, आपका हमेशा प्रोडक्ट लेस देन होगा, और इवन नंबर्स के लिए या तो होगा ही नहीं, या होगा तो इवन नंबर होगा तो उसके लिए प्रोडक्ट जीरो। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले ले रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे देखिए ए इंटरवल मैंने ले लिया, ए इंटरवल ले लिया, यहाँ पे कुछ ये वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ ये वैल्यू होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा तो लेस देन जीरो आएगा। कितने आए रूट, एक रूट, दो रूट, तीन रूट। तो जब भी प्रोडक्ट लेस देन होगा ऑड नंबर ऑफ रूट एग्जिस्ट करेंगे, और जब भी ग्रेटर देन होगा इवन नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसे एक पार्टिकुलर कैसे है कि जीरो रूट, मतलब नो रूट एग्जिस्ट करेंगे अगर दोनों का पॉजिटिव हुआ। तो बाइसेक्शन में हम लोग उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, सिंपली देखते हैं प्रोडक्ट लेस देन हुआ तो हमारा एटलीस्ट उस इंटरवल में एक रूट मिलेगा। ओके, हम लोग अपने इस पे आते हैं, ठीक है, इसका सब कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। ओके, तो एक इंटरवल हमें कुछ ना कुछ दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तब कोई एजम्पशन लेके चलना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रूट होगा क्या करोगे, आपको पहला कंडीशन है चेक करना है कि एफ ए इंटू ए बी निगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, हो रहा है तो आप क्या करोगे, दोनों का डिवाइड कर लोगे, उसके बीच में एक रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये चेक नहीं करोगे तो नुकसान क्या है, एज्यूम करो हमारे पास ग्राफ है रहा, यहाँ पे पॉजिटिव रहा, तो अगर दोनों भी पॉजिटिव है फिर भी हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे एक रूट बता दिया, कहाँ से रूट आएगा, मिड पॉइंट तो ही होगा ना, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। यही चीज़ है, आपको पहले चेक करना है तो इससे पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, ये धीरे धीरे अप्रोक्सीमेट करेगा इस ओरिजिनल वाले के पास। जैसे मैंने एक इंटरवल लिया हुआ है तो मिड पॉइंट ही आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा और जूम कर ले रहा हूँ ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो, ठीक है। पहले आपको सिंपल बाइसेक्शन, मतलब बाइसेक्ट करना, दो से डिवाइड करना, ठीक है, इसी में मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, बाकी क्विकली हो जाएंगे। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट लेस देन है तो आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करोगे, इस दोनों को सम करके दो से डिवाइड कर दोगे, अब फिर ये नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। अब क्या करोगे, आपके पास दो पॉइंट होंगे, एक तो ए हो गया और ए एक्स नॉट एक्स वन हो गया और दूसरा बी हो गया। अब इस दोनों पे देखोगे एफ एक्स वन इंटू एफ ए, अगर प्रोडक्ट लेस देन हो रहा, मतलब कहाँ ए वाला चीज, अगर ये हो रहा है तो इस इंटरवल में रूट लाई करेगा, अदरवाइज इसमें लाई करेगा, ठीक है। तो जिसमें ए लेस देन वाला कंडीशन होल्ड करेगा उसमें, अभी हमें कंटिन्यूसली करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें कितने बार, जितनी बार आप करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 2n, अब 10 बार करना चाह रहे हो तो 10 बार डिवाइड करते जाओ, ए अप्रोक्सीमेट टू उसके रूट्स देता है nth, ठीक है। तो इसमें इतना ही, ज़्यादा इससे कोई काम नहीं है, बस इसमें बाइसेक्शन डिवाइड करने वाला कंसेप्ट आपको समझना था, जो डीप आएगा मैं डीप आपको बताऊंगा। ऐसे ही एक और होता है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गेट में भी पूछता है कि जो होता है ऑलवेज कन्वर्ज करता है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्ज करता है, और इसमें जो होता है एरर के सेंस में हम बात करें तो मैक्सिमम एरर देता है कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। ओके, तो इसमें देख लेते हैं इसका रेट, इसमें दो चीज़ समझना था आपको बाइसेक्शन मेथड के लिए, एक कि ऑलवेज कन्वर्ज करता है और दूसरा इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया आपको रेट ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड पूछा गया है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस का या तो ऑर्डर पूछेगा या वैल्यू पूछेगा या कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसको हम लोग फॉल्स पोजिशन मेथड भी बोलते हैं। एक ए है और दूसरा है हमारा सेकेंड मेथड, ठीक है, दोनों में बहुत माइनर का डिफरेंस है, सब कुछ सेम है। इसमें क्या करते हैं,
हमें दो एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, चलो हमने क्या जैसे x1 और x0 मान लिया। अब इस दोनों का अगर प्रोडक्ट लेस देन जीरो हुआ, जो हमने वहाँ पे किया था, ठीक है, सेम मेथड, अगर लेस देन जीरो हुआ तब हम अगला कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का इसका फॉर्मूला जो है इस टाइप का, सबको मैंने नोट्स भेज दिया है तो आपके पास पीडीएफ चला गया होगा सुबह में ही, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें टाइम नहीं ले रहा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इसका ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, जो नेक्स्ट रूट होगा वो हो गया प्रीवियस, ठीक है, माइनस, अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली कर लीजिए, प्रीवियस एज वाला है, इससे स्टार्टिंग तक का डिफरेंस और इन पे फंक्शंस का वैल्यू इनटू इस पे फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। आप जैसे भी ट्रिक, आप जो भी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़े होंगे उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसमें मेथड, इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे होता है, जैसे इस ग्राफ को देखिए, ठीक है, हमें एक ग्राफ, इसको मान लीजिए मैंने F1 नाम दे दिया, तो ए यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है, ये वाला ग्राफ, तो ए मैंने लिया एक कॉर्ड टाइप पे मिला, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड जहाँ डिवाइड करता है ये हमारा नेक्स्ट रूट मिलता है, मतलब नेक्स्ट नहीं अप्रोक्सीमेशन रूट मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस से इस ग्राफ पे डालते हैं, ठीक है, इस ग्राफ पे जिस पॉइंट पे कट करता है यहाँ से फिर हमें कॉर्ड ड्रा कर देते हैं, इस जिस पॉइंट को हमने फिक्स किया था, एक फिक्स रहता है, एक वेरी करते रहता है, ठीक है, यहाँ चला गया। अब फिर कहीं ना कहीं एक्सिस को कट किया होगा, जहाँ एक्स एक्सिस को कट किया वहाँ से फिर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डालिए, जहाँ ग्राफ को कट करेगा वो पॉइंट नोट करिए, वहाँ से ड्रा करिए इस पे, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इस तरह धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप क्लोज पहुँच जाएंगे एकदम, तो इस तरह से हम इस रूट को अप्रोक्सीमेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। इसका भी बाइसेक्शन मेथड की तरह रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है और ए भी हमेशा कन्वर्ज करता है, ठीक है, दिस मेथड ऑलवेज कन्वर्ज एंड ऑल्सो रेट ऑफ दिस मेथड है 1, ठीक है। इन बाइसेक्शन मेथड रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 1 एंड बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्ज। सेकेंड था रेगुलर फॉल्सी मेथड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स पोजिशन मेथड, इट ऑलवेज कन्वर्ज एंड रेट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस मेथड इज 1। नेक्स्ट वन इज सेकेंड मेथड, ओके, इसमें डिफरेंस क्या है, जो आपने पढ़ा ए टू जेड आई है, इसमें बस हमने ये जो कंडीशन चेक किया है ना, एक कंडीशन आपको चेक नहीं करना होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, और ए इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये पीएचडी वाले में नहीं पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू का एग्जाम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उसमें पूछा हुआ है। और ऐसा सिमिलर जो मैंने डिस्कार्ड रूल वाला बताया था कि हम लोग नंबर ऑफ देखें कितने पॉजिटिव रूल कितने नेगेटिव रूल होंगे, ये IIIT दिल्ली में पूछा हुआ है PhD इंटरव्यू में, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो वो लोग मोस्टली जो आपके CSIR NET का सिलेबस है ना उसी के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ओके। तो इसमें भी देखें सेम फार्मूला है, सब कुछ A to Z वही है, बस डिफरेंस जो है रेट ऑफ, इसमें भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो जब हमने बोल दिया फॉर्मूला ही वही तो कुछ बदलेगा नहीं, ये भी ऑलवेज कन्वर्ज करेगा, सॉरी ये वाला था, यहाँ पे मैंने रिमार्क करके लिखा हुआ है, इफ यू रिमूव इन रेगुलर फॉल्सी मेथड इफ वी रिमूव द कंडीशन दिस, हम लोग चेक कर रहे थे ना कि रूट उस इंटरवल में लाइक करेगा कि नहीं करेगा, अगर उस प्रीवियस मेथड से हम लोग इस कंडीशन को हटा दें तो हमारा सेकेंड मेथड बन जाएगा, यही मेजर डिफरेंस, यही क्वेश्चन पूछा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ठीक है। मेथड सबको पता है नो डाउट, लेकिन डिफरेंस क्या है बहुत बार भूल जाते हैं हम लोग, तो आपको बस इतना याद रखना है ए सेम है। अब यहाँ पे उसमें क्या था आपका एक्स नॉट था, इसमें क्या हो गया दो प्रीवियस का डिफरेंस, वहाँ पे एक्स नॉट था, एक्स नॉट क्यों था, अब इसका मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने का आपको। रेगुलर फॉल्सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा एच सिंबल चेंज कर चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं है, और इसमें एच ए वाला पॉइंट एक्स नॉट हमने फिक्स किया हुआ था, तो फिक्स किया तो हमेशा तो आएगा, इसीलिए फार्मूला में हमेशा एज वाला आ रहा है, ठीक है, और ये वेरी करते जा रहा था, इसलिए हमने एक्स एन नाम दे दिया। लेकिन सेकेंड मेथड में हम तो चेक कर ही नहीं रहे हैं, जब चेक नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बदलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर एक्स नॉट की जगह एक्स एन माइनस वन आ गया, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हटा दिया, बाकी A to Z सेम है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे होंगे प्रीवियस में रेगुलर फॉल्सी में क्या हो रहा है कि हमारा ये तो फिक्स है, तब इधर से घट रहा, उस केस में क्या होगा, इधर से भी आपका घटेगा और इधर से भी घटेगा, तो इसके कंपेरिजन वो फास्ट हो जाएगा ना, ठीक है, इसमें तो हमने एक एंड फिक्स कर दिया, इधर से चलते जा रहा है, एक ही तरफ से जाते जा रहा है, लेकिन उसमें इधर से भी चलता है, इधर से भी चलता है, तो जल्दी हम लोग अपने जो एग्जैक्ट रूट है उसकी तरफ पहुँचते हैं, तो उस केस में हमारा जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है, तो फास्ट हो क्या होता है 1.5
618 ये आपके ये डायरेक्टली एग्जाम में शायद गेट में पूछा हुआ है या सेट में पूछा हुआ, लेकिन दो तीन जगह एग्जाम में डायरेक्टली पूछा होता है। ठीक है, 1+√5/2 इसका वन, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 है, और शायद इसी नंबर को हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन गोल्डन रेशियो शायद इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे गोल्डन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, गोल्डन रेशियो, सिल्वर रेशियो, गोल्डन रेशियो, एक सेकंड मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। और सिल्वर रेशियो, एक गोल्डन रेशियो होता है, एक सिल्वर रेशियो होता है, इससे आपको ISI के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस वर्ड बदल देंगे वो लोग। ठीक है, तो आप सोचोगे अब आपको सिल्वर रेशियो ही नहीं पता तो आप कैसे बताओगे इसका रूट क्या होता है, लेकिन रियल में क्या है मीनिंग वही चीज है सिल्वर रेशियो। अच्छा 1/1+√2 ये वाला रेशियो, यानी रूट टू वाला सिल्वर रेशियो है, और जो मैंने बोला शायद वो गोल्डन रेशियो है। √5/2 हमारा कितना था, 1+, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गोल्डन रेशियो जो है 1+√5/2 है, हमारा कितना था 1+, हाँ ये गोल्डन रेशियो है, मतलब मैं सही बोल रहा था। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछ भी सकता है कि जो भी आपने रेट ऑफ जो भी आपने मेथड्स पढ़े हैं रूट अप्रोक्सीमेशन का, उसमें गोल्डन रेशियो पे कौन कन्वर्ज करता है, मतलब एक मैंने अपने से बना दिया, शायद ऐसा हो भी सकता है किसके मन में क्या आ जाए पूछने के लिए, तो ये चीज़ है। ओके, तो ये गोल्डन रेशियो है। ओके, इसमें ये चीज़ बदल जाता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये लीनियर नहीं है तो इसको हम लोग नॉट लीनियर बोलेंगे, ये दो भी नहीं है, मतलब अगर ऑर्डर टू हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, व्हाट ए क्वाड्रेटिक भी नहीं है, तो नॉन लीनियर, नॉन क्वाड्रेटिक, इसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिमार्क करके लिखा, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर फॉल्सी एंड सेकंड मेथड इज दैट इन सेकंड मेथड इतना नीड नॉट सेटिस्फाई दिस, वो क्योंकि हमने बोला था कंडीशन हम चेक ही नहीं करते, तो कोई जरूरी नहीं है सेटिस्फाई भी करे सेटिस्फाई नहीं भी करे। बाकी न्यूटन ऑप्शन मेथड आप लोग एज यूजुअल जानते हैं, इसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना, इसमें जो आता है ये चीज, वो तीनों तो डेफिनेटली कन्वर्ज करते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज करेगा, बस ये आपको चार मेथड जानना है जिनमें से तीन मेथड डेफिनेटली कन्वर्ज करता है, एक मेथड न्यूटन मेथड कन्वर्ज कर भी सकता है नहीं भी कन्वर्ज कर सकता है, तो नीड नॉट भी आया हुआ है। ठीक है, ओके, सेकंड मेथड कन्वर्ज करेगा, हाँ करता तो है, क्या नहीं लिखा हुआ, कन्वर्ज करता है, करता है, हाँ अच्छा करता होगा, तो पता नहीं करता होगा, मैं तो भूल गया हूँ, सॉरी नहीं, मतलब मे और मे नॉट वाला कंडीशन होगा, मे और मे नॉट कन्वर्ज। ठीक है, तभी श्रीमान क्योंकि मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो मेरे अभी दिमाग से निकल गया, तब इसमें इसका मतलब हो गया हमारे पास टोटल, मैं आपको पहले ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, सेकेंड में मे और मे नॉट हो गया, फर्स्ट बाइसेक्शन, सेकेंड रेगुलर फॉल्सी या फिर फॉल्स पोजिशन, थर्ड सेकेंड था, और फोर्थ वन है न्यूटन ऑप्शन मेथड। ठीक है, तो ओके, क्लासिफिकेशन बाद में करते हैं, इसमें ज़्यादा आपको नहीं जानना है, इसमें दो ही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसका टू होता है। ठीक है, बाकी एक दो है कि आप लोग मल्टीपल रूट फाइंड आउट करना तो जानते ही होंगे कि मोर देन वन रूट कब होता है, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे जीरो दे तो दो रूट होगा, थर्ड डेरिवेटिव भी सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव इसका उस पॉइंट पे जीरो दे तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2-3 ऐसे जिस टाइप का जितना होता है, अल्फा टाइम अगर एम टाइम ले रहे हैं एम टाइम डेरिवेटिव करोगे तो उस पॉइंट पे जीरो देते रहेगा। ठीक है, तो ये सब सिंपल सी कंसेप्ट है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला चीज़ है, और जो बार बार जिस पे क्वेश्चन पूछता है उस पर मैं अब आता हूँ। ठीक है, ये जो है ये रेट है सॉरी, इससे आपको मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तरीका आप याद रख लीजिएगा, बाइसेक्शन मेथड और दो आपने टोटल चार आपको जानना है, चार में से दो का रेट ऑफ कन्वर्जेंस वन होता है, फिर नेक्स्ट वन आता है सेकेंड मेथड जो गोल्डन रेशियो यानी 1+√5/2 यानी 1.618 पर कन्वर्ज इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, और न्यूटन ऑप्शन मेथड का टू है। ठीक है, जिसमें से ये दोनों डेफिनेटली कन्वर्ज करता है, ये दोनों मे और मे नॉट भी है। ठीक है,
और इसमें न्यूटन ऑप्शन मेथड हम लोग मल्टीपल रूट के लिए भी काम करते हैं, इसके लिए ये थोड़ा सा पॉपुलर है। इसमें बस इतना ही रिलेटेड था, बाकी इधर उधर की थ्योरी आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेट के लिए इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और भी बहुत सारे डिफाइंड डिफरेंस वगैरह का पूछता है, तो मैं एक सिंपल अच्छा मैं आप लोग को चलो इस क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन मिल गया। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा करवाना चाह रहा हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन चले आ गए तो इसी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। द इटरेटिव मेथड इतना फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इतना कन्वर्स क्वाड्रेटिकली, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा उस थ्योरी को अप्लाई करिए तो उसमें कौन क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज कर रहा था, वन वन हाँ और एक टू था, तो हमें इसका मतलब ए वाला मेथड यूज करना है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए हिंट ए था, ऐसे कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा, अब उसके आगे हमें सोचना है। ओके तो अब यहाँ से कुछ हिंट मिला, अब आप लोग थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो अच्छा होगा। एक बार आप लोग क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, देखिए क्या आता है। न्यूटन रैप्सन मेथड का मैं फॉर्मूला आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, क्या था, एक्स एन प्लस वन था इक्वल टू प्रीवियस माइनस फंक्शन का वैल्यू जो एक्स एन पे होगा, ठीक है, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन अपॉन में हो जाएगा। ओके ठीक है, ये फॉर्मूला था। यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, तब आप यहाँ से ले लीजिए फॉर्मूला, तो आपको पता है। अब एफ एक्स ले लीजिए, तो एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ये आपका फंक्शन हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा दो एक्स माइनस वन, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कन्वर्स क्वाड्रेटिक इन द नेबरहुड ऑफ, अच्छा ये रूट हमें दे दिया कि इसके नेबरहुड में, एक बार देखते हैं, देन जी एक्स इक्वल टू, तो ये इटरेटिव फॉर्मूला बनाना है, तो इसको इसके बारे इसमें रख के देखिए, तो एक्स एन माइनस ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू टू एक्स माइनस वन, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक्स ही मान के चलते हैं, एक्स के बाद में एक्स एन रख देंगे, तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस दो दो एक्स माइनस वन, ओके दो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म प्लस टू बाई दो, मेरा कैलकुलेशन सही है ना, ठीक है। तो अब देख लीजिए कौन सा हो रहा, तो वह डाइटेटिव मेथड इतना ये हमारा ए क्या था, एक्स एन प्लस वन था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एन एन लगा दीजिए, ये हो गया आपका एक्स एन प्लस वन, और ये हमारा चीज़ क्या था, यहाँ पे दिया हुआ है जी एक्स था, ये आपका जी एक्स इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए जो ऑप्शन होगा आपका टू हो जाएगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्विकली कर सकते हैं, ठीक हाँ ओके। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, इस टाइप का भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो मैं उसको करवाता हूँ। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ये देगा या फिर पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्स, एक्स बराबर क्या दे दिया, वन प्लस वन बाई वन प्लस इसको कुछ भी मान लो, ओके यही मान लो ना, इस टाइप से दिया हो, इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन दिया हो, या फिर ऐसे मान लो वन प्लस कुछ फाइव मान लो, फाइव बाई वन प्लस फाइव बाई इस टाइप का दिया होगा, ठीक है। तो आपका अप्रोच क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ये देखिए एक्स क्या दिया हुआ है, वन प्लस वन बाई समटाइम्स, तो इसमें हम इतना चीज को एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई वन प्लस एक्स,
ठीक है, नहीं वन पूरा ही एक्स हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये नीचे पूरा ही एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब मान लो यहाँ एक्स का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, कुछ न कुछ दिया रहेगा। ओके, अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब बाकी आप क्वाड्रेटिक मेथड जानते हैं फाइंड आउट करने का, डिस्क्रिमिनेंट से भी, जैसे भी आप जो भी मेथड जानते हैं वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और जो मैच करेगा उसको टिक कर देंगे। उसी तरह इसमें भी हम लोग सेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू वन, दो आएगा। अब वहीं में बोला ना, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे तो मैं एक मेथड बता रहा हूँ आपको फॉलो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब जैसे ये देखिए, इसको हमने एक्स मान लिया, हमारे एक्स यहीं दिया हुआ था, इसको उठा कर रख दो, या फिर ए इस क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ जब आपको ट्रू के लिए पूछा हो, क्योंकि इसमें ये गेट टाइप का क्वेश्चन होगा या नेट टाइप का क्वेश्चन होगा। तो जो दिया है तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है, वन प्लस फाइव बाई समथिंग टाइप का, तो ये चीज़ यहाँ से लेके ये सब इसी नेचर का फॉलो कर रहा है, वन प्लस फाइव बाई समथिंग टाइप, इसको उठा के यहाँ पर रख दो, ये चीज़ जाएगा। अब इसको आप जो सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका एक्स जीरो और एक्स वन निकल जाएगा, जो कुछ भी होगा डन होगा। ओके, तो ये इसका कंसेप्ट हो गया। अच्छा, ये तो हो गया इस टाइप का, मान लो इसी में दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दे दे, जैसे मैंने दे दिया दो दो टू इस टाइप का दे दिया, तो इसका पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, या फिर इफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, आपको क्या करना है, इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करना है। ये देखिए यही चीज़ है, एक्स बराबर अंडर रूट टू प्लस टू इस टाइप से है, तो इसको आप फिर से क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू प्लस एक्स लिख सकते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो आ गया, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ मान लो अगर प्रोडक्ट में दे दिया, ठीक है, तो ए प्रोडक्ट में हो जाएगा, यहाँ से तो डायरेक्टली निकल जाए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर टू एक्स, ठीक है, सो इम्प्लाई करता है एक्स बराबर एक्स माइनस टू यानी एक्स बराबर जीरो कमा टू, तो जीरो तो होगा नहीं क्योंकि हम नॉन ट्रिवियल के लिए देख रहे हैं, तो टू वाला आंसर जाएगा। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ डाटा दिया रहेगा। ओके, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, बस सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 2014 का है, 2014 जून क्वेश्चन पेपर गायब है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर गायब है तो लोग इसी क्वेश्चन पेपर को लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स का दिया हुआ है आपको, ठीक है, अंडर रूट टू प्लस एक्स। ओके, कंसीडर दी इतना, अब ऑब्वियस बात है अंडर रूट डिफाइंड होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, एक कंडीशन दे दी आपको माइनस टू, ठीक है, इतना दिया हुआ है। एंड द इटरेशन, इटरेशन क्या है आपका, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स एन। ओके, तो ऑब्वियस बात है एन इंडेक्स होगा, एन इंडेक्स होगा मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और एक कंडीशन देगा कि एक्स जीरो पे क्या है, वन है। ठीक है, देन पूछ रहे व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट, व्हाट आर द पॉसिबल, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, व्हाट आर द, व्हाट आर द पॉसिबल लिमिट ऑफ इटरेशन। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल लिमिट ऑफ इटरेशन, इटरेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दे दिया, ऑप्शन दे दिया, मान लो इस टाइप से दे दिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन आप सुनिए, कंसीडर द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है इतना, कंसीडर द फंक्शन इतना, एक कंडीशन दिया हुआ है, ये तो वैसे ही आप समझते हैं, इटरेशन आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक बार फाइंड आउट करिए आप लोग क्विकली, जो भी आप मेथड जानते हैं। ए 2014 जून का क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, जी
अंडर रूट 2 प्लस एक्स, ओके। इसको हम लोग एक्स प्लस एम यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया, ओके। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा हमारे एन जीरो देवाना था, एक बार पुट करके देखते हैं। एन बराबर जीरो होगा तो एक्स वन क्या होगा, अभी एक्स एन बन जाएगा, तो 2 प्लस एक्स जीरो, ठीक है, और एक्स जीरो हमारा क्या था, 1 था, ठीक है, 2 प्लस 1 इस टाइप से लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एन बराबर 1 होगा तो एक्स टू हो जाएगा, एक्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स वन, हाँ जी, माइनस वन और टू, ठीक है, जो भी होगा देखते हैं, ओके, कैलकुलेशन सही है ना। एक सेकेंड, माइनस में कैसे होगा जी, जब हम लोग पॉजिटिव कैलकुलेशन करते जा रहे हैं तो माइनस में तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ओके ठीक है, देखते हैं, पता नहीं मुझे, अब सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना, लेकिन मुझे जो देखिए प्रथम दृष्टया है कि नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम समेशन ले रहे हैं और कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ते ही जा रहा, स्टार्टिंग हमारा 1 से हो रहा है तो बढ़ते जा रहा, तो माइनस 1 तो आने की संभावना ही नहीं है, और इवन तो जब स्टार्टिंग ही 1 है ना, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा, यस सर, प्लस में आएगा, जो भी होगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो मुझे लगता है छट, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग 1 है, अब 2 प्लस 1 रखेंगे तो अंडर रूट 3 उसका ही वैल्यू 1 है, अभी बढ़ते जाएगा, अब जो भी होगा लेकिन इन दोनों से तो अलग ही आएगा, तो क्या आपका 2 और 1 आ रहा है? नो सर, वो 2 बस आएगा, ओनली 2 आएगा, ओके ठीक है, देख, ओके, अब 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में सही नहीं, ओके, अब एन बराबर 2 रखेंगे तो एक्स 3 हो जाएगा, एक पैटर्न आप लोग को तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, 2 प्लस एक्स 2 हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा था, तो 2 प्लस एक्स 1 क्या था, एक्स 1 था, 2 प्लस एक्स 0, अब यहाँ पर रखेंगे तो 2 प्लस, अब एक्स 2 क्या था, इसको रख दीजिए, अब एक्स 2 को रखेंगे तो आप ये रखेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट टू 3 प्लस, इस टाइप से हम लोग करते जाएंगे, क्लियर। तो अगर हम इस तरह चलते गए तो हमारा जो एक्स एन प्लस वन एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लिखें तो हमारा ये क्या होगा, 2 प्लस एक्स एन होगा, क्लियर। अब एक्स एन क्या होगा, जस्ट पीछे वाला होगा, तो ये होगा अंडर 2 प्लस एक्स एन माइनस 1, ठीक है, अब पैटर्न देखिएगा, 2 प्लस 2, अब एक्स एन माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये वाला चीज पहला देखिए आपका, ठीक है, ये पैटर्न मिल रहा है क्या आपको, यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली 2 नहीं आएगा, लास्ट में तो √2 + 1 आएगा, हाँ लास्ट में जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो डॉटेड करके छोड़ दिया, 3 वर्ड सिर्फ आपके उसमें लिखा हुआ है, आपको बस इतना लिखा हुआ है वहाँ पे ऑप्शन में, आपको दिया हुआ है इतना डॉटेड करके छोड़ दिया है, इसको आप देखिए ना, आपको ये नहीं पता ना कि आप 10 बार 20 बार 50 बार कितना बार चलाते हैं, ये तो लास्ट वैल्यू एन इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो आप तो एग्जैक्ट तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको अल्टीमेटली लिखेंगे इस चीज़ को, तो हम लोग इस टाइप से लिख के छोड़ देंगे, 2 प्लस 2 प्लस √2 फिर ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट में इसका पहला वाला ट्रू हुआ, ओके, तो यहां से पहला वाला ट्रू हो गया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छा अभी मिटाना क्या, नेक्स्ट हमारा क्या था, इसमें हमें बताना है कि मोर देन वन है तो हमें सारे ऑप्शंस को देखना होगा, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने मेथड बताया उसको रख के आप सोल्व करिए, ठीक है, तो लिमिट की बात कर रहा है ना, थोड़ा सा मैं जगह कर लेता हूँ, इधर का कोई काम नहीं है,
अब एक लिमिट फाइंड आउट करना है, तो जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था वही आपका लिमिट फाइंड आउट करने का मेथड है। बस मान लीजिए कि लिमिट एक्शन का एल है, ओके, तो ये धीरे धीरे हम लोग रियल में आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि लेट लिमिट ऑफ सॉरी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्शन बराबर एल ले लिया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस एल लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो इतना हो जाएगा, टू प्लस एल हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो एल माइनस एल स्क्वायर माइनस एल माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इतना माइनस फोर ए सी बाई टू, ये हो जाएगा वन प्लस माइनस थ्री बाई टू। तो बराबर एक तो माइनस में दे देगा, एक टू हो जाएगा, एक माइनस एक माइनस वन और एक टू हो जाएगा। हाँ, तो चूंकि हमारा सब कुछ पॉजिटिव चलता जा रहा था, नेगेटिव वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ दो बचा, इसका एक ऑप्शन दो हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पहला और दूसरा हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ पहला एंड दूसरा ही ट्रू है, ठीक है। तो कितना इसमें से कोई भी, इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, कॉमन कंसेप्ट बेस्ड है ये, आपका ट्वेल्थ में भी मिलेगा इस टाइप के इटरेशन फॉर्मूला, ट्वेल्थ पे बेस्ड ही है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ये मेथड आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत जगह बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे मैंने ये इसका वाला बताया था, प्रोडक्ट वाला बताया, सम वाला बताया, आपको वही रूल फॉलो करना है। इस तरह से आप लिमिट निकाल सकते हैं, और इसमें पॉजिटिव निगेटिव वाला आपको ये सब ध्यान रखना है कि कब कौन सा क्या होगा, और दूसरा स्टेप का फॉर्मूला देगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए बस, इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, एक और क्वेश्चन करिए आप लोग इसी टाइप का, हालांकि टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। ये था 14 जून का जो मैंने अभी करवाया, और आपका था एक सेकेंड, वो था जून 2014 का, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 2015 दिसंबर का, ठीक है। और ये देखिए कितना मतलब कम मेहनत में आप 4.7 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे इजी और क्या चाहिए, लोग बोलते हैं टफ है, कहाँ टफ है, 4.75 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, स्क्रीन क्लियर करता हूँ, 4.75 मार्क्स मीन्स पार्ट सी में हम लोग चले आते हैं, पार्ट सी में यूनिट 3 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ए टू जेड सेम है 98, और क्विकली करिए आप लोग, यहां भी पार्ट सी में यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉसिबल लिमिट्स ऑफ, तो यहाँ पे आप सब कुछ फाइंड आउट, तो हमने जो पिछला मेथड निकाला उसी मेथड से डायरेक्टली ये फोर्थ हो जाएगा ट्रू, फोर्थ आंसर है। हाँ, तो देखिए अब आपको ये ट्रिक पता चल गया, और अभी एज्यूम करिए नेक्स्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता था, आप डायरेक्टली बिना सोल्व किए इसको मारेंगे, और देखिए एक ए मेथड पता चल गया, ए ट्रू हो गया, चलिए अब बाकी हमें इन तीन में से कैलकुलेशन करना है। इसका भी मेथड मैंने बताया था, मेथड क्या, डायरेक्टली एल मान लीजिए, तो ए हो जाएगा आपका लिमिट एल, मान लिया हमने पॉसिबल लिमिट ऑफ, ऑप्शंस भी सब कुछ है, जो क्वेश्चन वहाँ लिखा वही क्वेश्चन यहाँ लिखा है, वो 14 जून का था, 15 दिसंबर का, देखिए लगातार ही दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो मैंने एल मान लिया, तो ये हो जाएगा एल इजक्वल टू अंडर रूट एल प्लस थ्री, दोनों तरफ होल स्क्वायर करिए, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब एल बराबर यहाँ पर निकालिए, तो प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस माइनस सॉरी माइनस फोर ए सी, तो प्लस हो जाएगा, चाहते हैं 12 अपन में 2 13। हाँ, तो इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2 हुआ। ओके, तो ये लगभग किसके इक्वल होगा, तो इसमें पॉइंट में तो कोई दिया नहीं है, तो ये ना ही माइनस वन होगा, ना ही जीरो है ही नहीं, ख़त्म काम। और ए माइनस में इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो ना ही माइनस वन आएगा, ना ही माइनस ना ही प्लस थ्री आएगा, तो तीनों ऑप्शन ख़त्म हो गया, ओनली फोर्थ ट्रू। क्या अब ये देखिए 4.75 मार्क्स का, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब क्विकली आने चाहिए, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्टली इसको बनाइएगा।
ओके क्वेश्चन नंबर 98 था, एक बार कंफर्म कर लें। 98 था, सेट कौन सा है? सेट है ए 98 का फोर, ओनली फोर्थ ट्रू। ओके तो ठीक है, आज के लिए यहीं प्रिंट करते हैं, बहुत लंबा हो गया आज का सेशन। ओके कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए मैं